हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम एक गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो है ब्रेन का ट्यूबरकुलोसिस। कई लोग का ये धारणा है कि ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होता है वो खाली फेफड़ा में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया अगर हमारा शरीर को संक्रमण करता है तब ये बीमारी होता है। अब ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, हाँ ये जरूर है कि ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ा में आम होता है, यानी कि कॉमनली लंग्स में ये बीमारी पाया जाता है, लेकिन लंग्स को छोड़ के ये हमारा ब्रेन में भी होता हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस, हमारा हड्डी यानी कि बोन में भी हो सकता है, लिम्फ नोड में भी हो सकता है। अब देखिए जो ब्रेन का ट्यूबरकुलोसिस है उसमें हमारा ब्रेन को किस किस तरह से ये जब संक्रमण होता है इसका, तो किस किस तरह से हमारा ब्रेन को असर करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए ब्रेन में जब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया जब हमारा ब्रेन को संक्रमित करता है तब ब्रेन का जो मांसपेशिया में एब्सेस बन जाता है, यानी कि फुंसी हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलस एब्सेस या फिर ट्यूबरकुलोमा। अब उसके साथ साथ ब्रेन को एक परत ढक के रखता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। तो उसमें जब ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया जब संक्रमण करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। अब देखिए इसके साथ साथ और दो चीज होता है जब ये बैक्टीरिया संक्रमण करता है, वो है कि हमारा ब्रेन के अंदर छोटा छोटा खून की नली होता है, तो वो खून का नली को भी ये खराब कर देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है तो ब्रेन में खून का सप्लाई यानी कि ब्लड सप्लाई कम होने लगता है और जो आंख से दिखाई नहीं देता है ऐसा छोटे छोटे खून का धब्बा बनने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एम्बोलाई। और साथ में हमारा जो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के अंदर छोटा छोटा बहुत सारे जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स, जहां पे एक पानी जैसा पदार्थ घूमता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये जगह फूलने लगता है। जब ये जगह फूलने लगता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकेफेलस। तो ये जब फूलने लगता है तो ये ब्रेन में धक्का देने लगता है, तो इससे क्या होता है कई सारे लक्षण और गंभीर लक्षण भी इंसान में देखा जाता है। अब लक्षण की बात करें तो इसमें दो प्रमुख लक्षण शुरुआती लक्षण होता है, वो है बुखार, यानी कि शाम के टाइम पे आपको बुखार आएगा, उसके साथ फिर जो माथा का दर्द है यानी कि हेडेक, वो शुरुआत में हेडेक होता है, उसके बाद आप कुछ दवाई खाने से भी वो जो माथा का दर्द ठीक नहीं होगा, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है माथा का दर्द और गंभीर होता जाता है, उसके साथ फिर भूख कम लगने लगता है, वजन घटने लगता है, फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपको ज़्यादा नींद आने लगता है, फिर उसको हम लोग ड्राउजीनेस या फिर स्लीपीनेस बोलते हैं, ज़्यादा आपको थकान महसूस होगा, और फिर जब आपको सर दर्द होता है तो उसके साथ साथ जो हमारा गले का जो मांसपेशियां है उसमें सिकुड़न आ जाता है, उसकी वजह से जब आप माथा को उठाते हैं तो ये जो आपका जो गले का पिछले जगह में आपको एकदम कड़क महसूस होगा और उसके बाद आपको दर्द भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेक रिजिडिटी या फिर न्यूकल रिजिडिटी। और साथ में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपका व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, और फिर आपका हो सकता है एक साइड का हाथ पांव में कमजोरी आ सकता है या फिर उसमें चलाने में आपको दिक्कत होगा, और फिर चलने फिरने में आप आसानी से गिर सकते हैं, या फिर कुछ असामान्य जो होता है हाथ में या पांव में आपका गतिविधि दिखाई देता है। और साथ में फोटोफोबिया एक नामक होता है, जैसे आप दिन में आप देखते हैं तो आपको धुंधला दिखाई देगा, आपको देखने में परेशानी होता है, और फिर आपका जो रिफ्लेक्सेस होता है वो धीमा पड़ जाता है, और जैसे जैसे ये बीमारी गंभीर होने लगता है आप फाइनली पेशेंट क्या होता है वो कोमा में जा सकता है। तो ये जो रहा प्रमुख जो लक्षण होता है, ऐसे लक्षण अगर कोई मरीज में ट्यूबरकुलोसिस ब्रेन होता है तो ऐसा लक्षण दिखाई देता है। अब फ्रेंड इसमें क्या क्या हम लोग टेस्ट कराते हैं, प्रमुख टेस्ट क्या क्या होता है,
और ट्रीटमेंट, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अब देखिए, इसमें सबसे प्रमुख टेस्ट जब होता है वो होता है एमआरआई ब्रेन स्कैन कॉन्ट्रास्ट के साथ। अब देखिए, यहाँ पे एक एमआरआई ब्रेन है एक पेशेंट का, इसको ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस हुआ है। अब देखिए, इसमें वेंट्रिकल्स खुला हुआ है और ये पेशेंट को हाइड्रोकेफेलस हुआ है। वेंट्रिकल्स क्या है, हाइड्रोकेफेलस क्या है, मैंने आगे आपको वीडियो में बता दिया। और साथ में इतना ज्यादा वेंट्रिकल्स खुला हुआ है कि जो ब्रेन जो है, ब्रेन में ये दबाव बना रहा है। और साथ में चेस्ट एक्सरे भी करते हैं हम लोग, ताकि फेफड़ा में टीबी है कि नहीं वो देखने के लिए। और फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF का हम लोग लैब में परीक्षण करते हैं टीबी का डायग्नोसिस करने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं CSF स्टडी। इसके साथ साथ फिर कुछ कुछ ब्लड टेस्ट हम लोग कराते हैं, उसमें से सबसे प्रमुख है कंप्लीट ब्लड काउंट्स। और फिर किसी किसी पेशेंट में हम लोग HIV का टेस्ट भी कराते हैं। क्योंकि अब देखिए, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जब भी ऐसा पेशेंट को, कोई भी पेशेंट को अगर ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस होता है या फिर ब्रेन टीबी होता है, तो उसको कुछ दिन अस्पताल में हम लोग भर्ती करके रखते हैं, ताकि और भी कुछ कुछ टेस्ट किया जा सके। या फिर कभी कभी ऐसा पेशेंट में छोटा मोटा ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, जो कि सबसे प्रमुख है इसमें EVD इंसर्शन या फिर VP शंट, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये उसी पेशेंट का पेशेंट है जिसका अभी मैंने आपको MRI दिखाया, क्योंकि इसका वेंट्रिकल इतना खुला हुआ है और इतना दबाव बना रहा है ब्रेन में, क्योंकि CSF ठीक से घूम नहीं रहा है, ठीक से फ्लो नहीं हो रहा है। तो CSF को निकालने के लिए, ब्रेन में दबाव कम करने के लिए, हाइड्रोकेफेलस को कम करने के लिए हम लोग इस पेशेंट में EVD डालने जा रहे हैं, यानी कि EVD मतलब एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर ड्रेनेज। अब देखिए, जो सफेद सफेद जो पानी जैसा जो निकल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब EVD जो होता है, ये एक अलग सा एक हम लोग जो वेंट्रिकल में एक पाइप डालते हैं और पाइप डाल के इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ताकि जो CSF अंदर घूमने में जो रुकावट आ रहा था, वो इस पाइप के जरिए CSF को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। और साथ में ये पेशेंट को AKT खाना बहुत जरूरी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। तो ये ड्रग्स आपको कम से कम 1.5 साल से लेकर 2 साल तक ये ड्रग दवाई को लेना होता है। अब और एक चीज मैं आपको बताने जाता हूँ कि जो ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस होता है, अब इसका जो कीटाणु होता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कभी कभी AKT जो होता है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जो दवाई हम लोग देते हैं, वो भी कभी कभी काम नहीं करता है। तो ऐसा परिस्थिति को हम लोग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जिसका जो प्रोग्नोसिस होता है काफी खराब होता है। तो ब्रेन टीबी का सही ढंग से इलाज, सही समय पे इलाज करने से फिर भविष्य में इसका जो गंभीर परिणाम यानी कि कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस का जो दवाई लेने के बाद आपका पूरी तरह से ठीक भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ इससे आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिला होगा ब्रेन टीबी के बारे में। धन्यवाद।